गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मेरे संघ की औरतें पाठ का 12वां भाग देखेंगे और यह इसका पाठ का अंतिम भाग है। लेखिका कहती हैं कि जिद के मामले में वह रेणु से पीछे ही रहीं। जैसा उन्होंने पहले बताया है कि रेणु अपनी जिद की बहुत पक्की थी, तो लेखिका कह रही हैं कि वो जिद में उतनी नहीं थी जितनी कि रेणु थी। 1950 में दिल्ली में एक साथ 9 इंच बरसात हुई। वहाँ के नदी नालों में बाढ़ आ गई। उस दिन सड़क पर कोई वाहन नहीं निकला। रेणु की स्कूल बस उसे लेने घर पर नहीं आई। उसने पैदल जाने का ही निश्चय किया। उसने कहा कि जब तक स्कूल से मुझे खबर पक्की नहीं मिलेगी कि स्कूल की छुट्टी है, तो मैं स्कूल ज़रूर जाऊंगी। सबने समझाया कि स्कूल बंद होगा, फिर भी वह पैदल स्कूल चल दी। वह 2 मील चलकर स्कूल पहुंची। स्कूल बंद था, लेकिन उसे कोई मलाल नहीं था, उसे कोई अफसोस नहीं था कि मैं इतनी दूर पैदल चलकर आई और मुझे स्कूल बंद मिला। लेकिन उसको ये संतुष्टि थी कि मैंने स्वयं आकर स्कूल बंद है ये जानकारी प्राप्त कर ली। वह वापस घर पहुंच गई। हमने पहले कहा था कि स्कूल बंद होगा के उत्तर में उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। लेखिका कहती हैं कि वह सोचती हैं कि उनकी बहन को उस दिन कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा। जगह जगह पानी से भरी सड़कें, सुनसान शहर में अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। अगर हम अपनी ज़िद में अपने बल पर कुछ भी अकेले काम करते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। थैंक यू।